बिसम राह रिम असल नाजीन कराम मैं हूँ मख्म शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी नाजीन कराम बिल आखिर फैसला आ चुका है और आल शरीफ पर यह फैसला बिजली बनकर गिरा है इस फैसले पर बहुत जल्दी की नून लीग ने जश्न मनाने की और मिठाइयां तकसीम करने की क्योंकि इस फैसले से एक जानब तो आले शरीफ पर बिजलियां गिरी हैं तो वहीं दूसरी जानब इमरान खान की लॉटरी निकल आई है मुखालिफीन अपने खोदे हुए गढ़े में किस तरह से खुद गिर गिरे हैं और इस तरह का गिरे हैं कि अब शायद संभल ना सकें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस जजमेंट के हवाले से कुछ ऐसे पहलू हैं और आ, ऐसे इसके नुकात हैं जो इस वक्त मीडिया पर नहीं आ रहे लेकिन इस पूरे वर्डिक्ट को इस तरह से मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा और नवाज शरीफ के अरमानों पर किस तरह से पानी फेरा है जस्टिस काजी ईसा साहब के के लिए ये एक शिकस्त तौर पर देखा जा रहा है और काजी साहब ने आज समाज के दौरान कह दिया था कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी और अब यूं लग रहा है कि अब वो गलती तो हो गई थी अब उसके असरात की बारी है क्योंकि सबके अंदर एक जानब तो समाज के जरिए पूरी कौम के सामने मुख्तलिफ किस्म का मंजरनामा आया और हर चीज क्लियर हो गई लेकिन नवाज शरीफ का नुकता देखें यह सारा मामला घूम फिर के आता है नवाज शरीफ पर नवाज शरीफ को काजी साहब रिलीफ देना चाह रहे थे लेकिन क्यों नहीं दे पाए किस तरह से उस नुक्ते के अंदर पूरी की पूरी गेम ही पलट गई है पूरे की पूरी बाजी ही पलट गई है और सिर्फ ये दस पांच का फैसला नहीं है ये आठ सात का फैसला भी है ये नौ छे का फैसला भी है ये नुकता क्या है इसे भी समझना है सारी चीजें आपके सामने रखता हूं अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स कॉमेंट्स और शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब नाधीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसके ऊपर आपको बताया कि जस्टिस उमर अताब बंद साहब जो है उन्होंने स्टे दे दिया था और उसके बाद फिर इसकी समात ही नहीं की और जस्टिस काजी आजीसा साहब जो है उन्हें एक फुल कोर्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में जब काजी, जब उमर अताब साहब ने डाला तो वो इससे अलग हो गया उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला है इसका जब तक फैसला नहीं होता जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकलता मैं तो हर चीज को किसी को ही नहीं समझता कानूनी ही नहीं समझता और काजी साहब ने आते साथ ही सबसे पहले यही केस लगाया और इसी केस

है इसके खिलाफ जितनी दरखास्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख अब इतना था कि नून लीग वालों ने लुड़िया में अंग्रेजी से उर्दू तर्जुमे में ही सब समझ आ जाता है इस मरतबा तो उर्दू में भी आई अटॉर्नी जनरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट

मुनी बख्तर जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस मजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीदेज हैं जिन्होंने आपको लग रहा होगा कि काजी साहब इसमें जीते हैं उनकी फतह हुई है जजेज ने एक्ट के हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक यानी ये एक्ट अब नाफिजुल अमल है नवाज शरीफ साहब का फैसला इस एक्ट के बनने से पहले आया था अब उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला और ये सारे मामला नवाज शरीफ साहब का ना का मामला था इस एक्ट से पहले अब इस शिक के ऊपर फैसला पूरा नहीं है आपने समझना है इस मामले के ऊपर दस पांच नहीं था इस मामले पर आठ सात था यानी सात जजेस थे और इन सात जजेस में जो आ, आ, माजी से इसका इतलाक करना चाह रहे थे इसमें काजी फाइजीसा साहब थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस के अंदर जो कि डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब को बेनिफिट कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया उसमें फैसला एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा इसके अलावा फुल कोर्ट ने नौ छे के तनासुब से अज खुद नोटिस के, के, के हक की शिक को बरकरार रखा है यानी कि अज खुद नोटिस के अंदर 43 के तहत अगर चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लेते हैं तो उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है और इसकी भी जारी बात है कि छह जजेज ने मुखालफत की यानी एक फैसला आया दस पांच का एक फैसला आया नौ छे का और एक फैसला आया आठ सात का अब ये जो आठ सात वाला फैसला है ये बेसिकली वो है बाकी दोनों फैसले चीफ जस्टिस के कम करने के लिए थे चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन मैन शो कम करने के हवाले से थे एक तो ये कि अब चीफ जस्टिस खुद अज खुद नोटिस नहीं ले सकते तीन जजों की कमेटी ने लेना है। अच्छा उसके बाद इस अज खुद नोटिस के ऊपर चीफ जस्टिस जो बनाएंगे बेंच उसके ऊपर अपील का हक भी होगा यानी ये दोनों इख्तियार जो है ये काजी साहब को एम्पावर करते थे लेकिन अब उसके ऊपर पार्लियामेंट की कानून साजी को

कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे नए तरामीन का कदम करार दी गई उसके खिलाफ भी अपील नहीं आ सकेगी इस एक्ट का सारा जहर निकाल दिया गया है यही एक बारीक वारदात डाली गई थी इस एक्ट के अंदर बाकी तो चीजों के अंदर मसला ही नहीं था तो इस एक्ट का जो जहर है इस एक्ट को नहीं खत्म किया गया इस एक तरह से आप कह लें कि एक सांप है आपने उस सांप को नहीं मारा आपने उसका जहर निकाल दिया तो एक तरह से इस एक्ट का पूरा जहर जो है निकाल के इस एक्ट को नवाज शरीफ के हक में इस्तेमाल होने से रोक दिया गया है उसके आगे बंद बांध दिया गया है लिहाजा लीग वालों के लिए यही मैसेज है कि मिठाइयाब को अक्सरियत सिर्फ उन शिकों पर हासिल हुई है यह एक और इंटरेस्टिंग बात समझे काजी साहब को आज अक्सरियत उन शिकासिल हुई है जो काजी साहब के इख्तियार महदूद करने से मुतल थे

लेते हैं ईसा जस्टिस, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जस्टिस मंसूर अली शाह माइनॉरिटी में चले गए और ये फैसला जो है इनके हक में नहीं आया अब मेजोरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस सब के अंदर जो बात कही सबके अंदर नो अपील कैन बी पनामा केसेज में नवाज शरीफ की न्यायालय के खिलाफ कोई अपील

को इंसाफ फराहम करना होगा अब यहां पर कहा जा रहा है मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें नाकामी हुई है, बहुत बुरी है। और काजी साहब जो है उन्होंने यह चीज चले इसकी तारीफ करनी चाहिए और जज बाकी आए काजी साहब ने अपने गिवअप कर दिए हैं बाजाबता तौर पर अब कोई भी फैसला वन मैन नहीं कर सकेगा चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट तो होगा लेकिन तीन जजेस ऑल दो काजी साहब के मोस्टली इस टाइम के अंदर चूंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब भी हैं तो दो जजेस काजी साहब इज फाइन काजी साहब के ही चलेंगे अपेरेंटली इस तीन जजेस की कमेटी के अंदर दो जजेस जो है उनकी मेजोरिटी काजी साहब इंजॉय करेंगे लेकिन यह पूरे का पूरा नुकता जो है इसमें शिकस्त जो हुई है काजी साहब को जो इसमें माइनॉरिटी बने हैं काजी साहब वो इस तरह से बन गए हैं कि नवाज शरीफ साहब को जिस शेख के जरिए रिलीफ दिया जाना था वो बाबा इमरान

बनाया शायद वो सच्चे थे फिर और काजी साहब ने गलती कर दी पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा बट लेट्स सी आ, ये अभी तक की डिटेल्स थी इस पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद